हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम, और आज सुपरपोजिशन थ्योरम का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम उसका फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के पहले हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ टॉपिक्स इसके पहले लिए थे। अगर आपने इसके पहले के सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सुपरपोजिशन थ्योरम का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द करंट आई फॉर द सर्किट शोन बिलो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, और डायग्राम क्या रहेगा वो देखिए। तो फाइनली डायग्राम आपके सामने है। देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हमने आपको क्वेश्चन बताए थे कि फाइंड द करंट आई। ये देखिए यहाँ पे करंट आई आपको दिख रहा है, ये देखिए जो 30 ओहम ब्रांच में से फ्लो हो रहा है, ये 30 ओहम ब्रांच में से फ्लो होने वाला ये करंट आई फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज हम लोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो आप समझ लीजिए। सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले पूरे नेटवर्क में, पूरे प्रॉब्लम में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पूरे सर्किट में दो या दो से ज्यादा सोर्सेस है या नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम में दो या दो से ज्यादा सोर्सेस है तो वो प्रॉब्लम आप सुपरपोजिशन थ्योरम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दो या दो से ज्यादा सोर्सेस का अर्थ ये है कि वहां सभी के सभी वोल्टेज सोर्सेस भी हो सकते हैं, वहां सभी के सभी करंट सोर्सेस भी हो सकते हैं, या मिक्स भी हो सकता है, कुछ वोल्टेज सोर्सेस कुछ करंट सोर्सेस ऐसे भी हो सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आप सुपरपोजिशन थ्योरम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके आप कोई भी ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट आसानी से निकाल सकते हैं, या कोई भी रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, या कोई भी रेजिस्टर के अक्रॉस का पावर आप आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। और सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चेक करना है, वो ये है कि वहां दो या दो से ज्यादा सोर्सेस है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो सोर्सेस क्लियर कट दिख रहे हैं। देखिए इधर एक सोर्स है, ये एक बैटरी है, इट मीन्स ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्ट है 50 वोल्ट, और इधर भी एक बैटरी लगी है, बैटरी का वोल्टेज है, इट मीन्स ये एक वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे है 20 वोल्ट लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्सेस लगे हैं। अगर यहाँ दो करंट सोर्सेस होते या वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स मिक्स होता तो भी हमने इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से आसानी से सॉल्व किए होते। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये दोनों सोर्सेस के वजह से टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है 30 ओम में से, वो फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करते समय आपको इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करो कि कितने सोर्सेस हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे दो सोर्सेस है, उधर एक वोल्टेज सोर्स, इधर एक वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे दो सोर्सेस है, इट मीन्स इसको हम थ्री स्टेप में सॉल्व करेंगे। याद रखिए दो सोर्सेस है तो थ्री स्टेप में सॉल्व होगा, तीन सोर्सेस है तो फोर स्टेप में सॉल्व होगा, फोर सोर्सेस है तो फाइव स्टेप में सॉल्व होगा। जितने सोर्सेस होते हैं उससे एक ज्यादा स्टेप में सॉल्व होता है। तो यहाँ पे फिलहाल दो सोर्सेस है तो हम फिलहाल इसको तीन स्टेप में सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए हम स्टेप वन में क्या करेंगे, स्टेप वन में हम एक सोर्स को कंसिडर करेंगे और दूसरे सोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। इट मीन्स एक सोर्स को हम एक्टिवेट करेंगे और दूसरे सोर्सेस को हम डीएक्टिवेट करेंगे, और ये हम स्टेप वन में करेंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे, हम दूसरे सोर्स को एक्टिवेट करेंगे और पहले सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। तो ये दो स्टेप हो गई, और लास्ट स्टेप जो रहेंगी स्टेप नंबर थ्री, उसमें हम दोनों सोर्सेस को एक्टिवेट करेंगे। अब ऐसे कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। और यहाँ पे ये जो करंट फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करने के लिए हम करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। करंट डिवीजन रूल क्या है वो भी हम आपको बताएंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व ये जब करेंगे तब हम आपको करंट डिवीजन रूल भी बताएंगे। लेकिन देखो पहले स्टेप में क्या करना है वो एक बार फिर से सुन लो। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे और ये 20 वोल्ट को डीएक्टिवेट करेंगे। और डीएक्टिवेट करते समय आपको डीएक्टिवेशन का अर्थ समझ में आना चाहिए। डीएक्टिवेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट, और जब भी आप करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे तो करंट सोर्स को रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट कैसे करना, ओपन सर्किट कैसे करना, वो भी समझ में आएगा जब हम ये प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप समझ लो कि स्टेप नंबर वन में हमें क्या करना है, 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ये पहले सोर्स को हम लेंगे और ये दूसरे सोर्स को हम डीएक्टिवेट करेंगे, इट मीन्स हम इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, और ये स्टेप में हम 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। ये रहेगा पहला स्टेप।
स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू में हम ये दूसरे वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे और पहले वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे, इट मीन्स हम उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। और ये दूसरे स्टेप में भी हम क्या करेंगे, 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स पहले स्टेप में भी हमने 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकाले ड्यू टू 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, और दूसरे स्टेप में भी हमने 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकाले ड्यू टू 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और अब ये दोनों स्टेप के बाद जब हम थर्ड स्टेप करेंगे तब हम क्या करेंगे, दोनों सोर्सेस के थ्रू ये जो हमने दो अलग अलग करंट निकाले हैं, इट मीन्स पहले स्टेप में हमने ये सोर्स के वजह से निकाले और दूसरे स्टेप में हमने ये सोर्स के वजह से करंट निकाले, तो दोनों स्टेप्स के करंट हम लास्ट में स्टेप नंबर थ्री में ऐड करेंगे। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो हम दोनों को ऐड करेंगे, और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो दोनों का हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब कैसे होता है वो देखिए। तो चलो ये प्रॉब्लम फाइनली अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे स्टेप नंबर वन में। तो हम यहां पे लिखेंगे स्टेप नंबर वन, कंसिडर 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ये स्टेप नंबर वन है। तो हम 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को लेंगे और 20 वोल्ट को डीएक्टिवेट करेंगे, इट मीन्स हम इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो नया डायग्राम देखिए क्या बनेगा, रिमेनिंग पूरा सर्किट एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो वोल्टेज सोर्स आप डीएक्टिवेट कर रहे हैं उसको आपको शॉर्ट सर्किट करना है, रिमेनिंग सर्किट आपका एज इट इज रहेगा। तो ये देखिए रिमेनिंग सर्किट हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे हमने सेकंड वोल्टेज सोर्स जहां पे था उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिए। ये पहला वोल्टेज सोर्स 50 वोल्ट ये तो एज इट इज है, ये 10 20 30 ये भी हम एज इट इज लिखेंगे, 10 ओम 20 ओम और ये 30 ओम। और यहां देखिए यहां पे दूसरा वोल्टेज सोर्स, इट मीन्स यहां पे 20 वोल्ट जो लगा था वो देखिए यहां पे लगा था, तो वो हमने क्या कर दिया, देखिए यहां पे लगा था ये दो एंड्स के बीच में, ये देखिए यहां पे पहले इन दोनों एंड्स के बीच में हमने ऐसा यहां पे बैटरी यहां पे लगी थी, हमें क्या करना है इसको शॉर्ट सर्किट करना है, इट मीन्स बैटरी को निकाल देना है, ये जो सोर्स है उसको निकाल देना है और उसको शॉर्ट करना है। ये देखिए ऐसा दोनों एंड्स को ऐसा ज्वाइंट करना है, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो यहां पे हमने इसको शॉर्ट सर्किट किए, तो फिलहाल हम यहां लिख लेते हैं कि हमने इसको शॉर्ट सर्किट किए, शॉर्ट सर्किट, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो ये हमने शॉर्ट कर दिए, तो फाइनली ये स्टेप वन कर रहे हैं। और ये स्टेप वन के अकॉर्डिंग देखिए हमने फिलहाल ये सोर्स लिए, इसको शॉर्ट सर्किट किए। अब हमें यहां टोटल करंट फाइंड आउट करना है। अब ये टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ध्यान से देखिए, टोटल करंट फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है। ये पूरे सर्किट में देखिए, पूरे सर्किट में ये है टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स अक्रॉस द बैटरी, दैट इज 50 वोल्ट। ये 50 वोल्ट के वजह से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बैटरी का प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, इट मीन्स ये बैटरी के वजह से जो टोटल करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है 50 वोल्ट, टोटल वोल्टेज के वजह से कितना टोटल करंट फ्लो हो रहा है पहले हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो फाइंड आउट अगर आपको करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है पहले वो निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद आप टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज का यूज करके टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ का यूज करके हम करंट फाइंड आउट करेंगे। करंट का फॉर्मूला है I = V/R, करंट I = V/R का यूज करके आपको करंट निकालना है। लेकिन करंट निकालने के लिए अब आपको रेजिस्टेंस की जरूरत है, तो आप क्या करो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो निकालो। और टोटल रेजिस्टेंस निकालना आसान है, देखो यहां पे क्या है, 30 और 20 ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करो और इसका आंसर जो भी आएगा वो 10 के साथ सीरीज में करो तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आइए 20 30 पैरेलल करेंगे और 10 के साथ सीरीज करेंगे। तो 20 और 30 को पैरेलल करने के बाद क्या आ रहा है वो हम यहां लिखेंगे। तो ये देखिए रिमेनिंग सर्किट हम एज इट इज ड्रॉ करेंगे। 20 और 30 को पैरेलली सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा, दैट इज 12 ओम, और ये 10 ओम एज इट इज है, और ये प्लस माइनस 50 वोल्ट भी एज इट इज है। तो देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं, 20 और 30, 20 और 30 को हम पैरेलली सॉल्व कर चुके हैं तो इसका आंसर है 12। तो इनको पैरेलली सॉल्व कैसे करना वो भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में हो, स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड हो, तो वो कैसे सॉल्व करना, कैसे टोटल रेजिस्टेंस निकालना, वो हमने ऑलरेडी इसके पहले के वीडियोस में बताए थे। अगर आपने वो नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा,
वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए फिलहाल यहाँ पे ये दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने के बाद 12 ओम आया, कैसे आया होगा, हमने ये दोनों को पैरेलली सॉल्व किए, माने 20 × 30 / 20+30 माने दोनों रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। इट मीन्स हमने ये ऐसा किया, देखिए हम यहाँ लिखते हैं साइड में 20 और 30 के लिए 20 × 30 / 20+30 दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, तो ये आया दैट इज 12 ओहम। तो फाइनली यहाँ पे 12 ओहम आ चुका है इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। अब ये 12 और 10 ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनको सीरीज करने के बाद वो हो जाएगा 22 ओहम। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 22 ओहम, यहाँ पे हम सर्किट बना के शो करेंगे। तो ये हमने शो किए 22 ओहम। तो फाइनली हमें टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट मिल गया, दैट इज 22 ओहम। ये प्लस माइनस ये बैटरी है 50 होल्ड की। तो फाइनली ये देखिए, ये है टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 22 ओहम। ये दोनों को हमने सीरीज किए तो ये आया। ये है टोटल रेजिस्टेंस, ये है टोटल वोल्टेज। अब टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस का यूज करके आप टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, टोटल करंट आए दैट इज आई टी, हम इसको कहेंगे आई टी, टोटल करंट आई टी इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज वी टी बाय टोटल रेजिस्टेंस आर टी। ये ओम्स लॉ है, I इज इक्वल टू वी बाय आर, तो आई टी इज इक्वल टू वी टी बाय आर टी। तो वी टी है 50, माने टोटल वोल्टेज है 50 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस है 22। तो ये है 22, और इसको सॉल्व करने के बाद 50/22 करेंगे तो इसका आंसर आएगा दैट इज 2.272 एम्पियर। तो ये आ चुका है टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू 50 होल्ट वोल्टेज सोर्स। 50 होल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से कितना सर्किट में टोटल करंट फ्लो हो रहा है, तो 2.272 एम्पियर इतना करंट जो है यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और फ्लो होगा। तो आइए फाइनली अब आगे बढ़ते हैं और 30 ओम ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है वो अब हम चेक करेंगे, और वो चेक करने के लिए हम करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। करंट डिवीजन रूल क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए करंट डिवीजन रूल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। करंट डिवीजन रूल अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या है, आई एक्स इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय resistance of opposite branch plus resistance of current branch। ये formula है current division rule का, और ये formula का use करके हम कोई भी ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन करंट डिवाइड अगर हुआ है तो ही आप करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। करंट जब भी डिवाइड होता है तो डिवाइडेड करंट फाइंड आउट करने के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे। यह है करंट डिवीजन रूल, जिसको कहते हैं CDR रूल, करंट डिवीजन रूल या फिर करंट डिवीजन फार्मूला। तो फाइनली करंट डिवीजन रूल हमने बता दिए हैं, और हमें ये करंट डिवीजन रूल का यूज करके हम कोई भी ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ सर्किट में देखो हमने क्या क्या सॉल्व किए थे। सर्किट में यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स लिए थे और हमें टोटल करंट चाहिए था, इसलिए टोटल करंट निकालने के लिए हमने पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाले। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, ये दोनों को पैरेलली सॉल्व किए, वो आया 12 ओम। 12 और 10 को सीरीज में किए तो वो हो गया 22 ओम, और 22 और 50 ये दोनों को के तो हमें टोटल करंट मिल गया 2.272 एम्पियर। ये है टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू 50 होल्ट वोल्टेज सोर्स। अब ये टोटल करंट कहां से निकलेगा, देखिए टोटल करंट हमेशा प्लस टू माइनस फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट फ्लो हमें शो करना है। तो ये देखिए, ये जो 50 होल्ट वोल्टेज सोर्स है इसमें टोटल करंट यहां से निकलेगा, देखिए ये है टोटल करंट जो निकल रहा है, और ये टोटल करंट आगे फ्लो होगा। तो ये देखिए, ये टोटल करंट यहां से निकलेगा, ठीक है, बैटरी से यहां से निकला वोल्टेज सोर्स से, और ये टोटल करंट यहां से आगे चल के इधर जाएगा, देखिए टोटल करंट जा रहा है, और ये टोटल करंट यहां पे आके यहां पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ जाएगा इधर और कुछ जाएगा इधर। जो उधर गया उसको हम नाम दे देंगे, दैट इज जो इधर गया उसको कहेंगे I1 और जो इधर गया उसको कहेंगे I2। देखिए ये टोटल करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, टोटल करंट यहाँ से निकलेगा और यहाँ से यहाँ तक आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो इधर गया उसको हमने नाम दे दिए I1, जो उधर गया उसको हमने नाम दे दिए I2। और अब प्रॉपरली चेक करिए I1 I2 में से कौन सा करंट 30 ओम में से फ्लो हो रहा है वो चेक करिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग
आई, ये देखिए ये करंट हमें फाइंड आउट करना है, और ये करंट जो कि 30 ओम में से फ्लो हो रहा है, 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हमें निकालना है। तो यहां चेक करो कि 30 ओम में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, तो 30 ओम में से ये आई वन ये करंट फ्लो हो रहा है, तो हम आई वन फाइंड आउट करेंगे जो कि 30 ओम में से फ्लो हो रहा है। और आई वन फाइंड आउट करने के लिए हम करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। करंट डिवीजन रूल का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे टोटल करंट डिवाइड होके दो पार्ट में आया, ठीक है ना, करंट डिवाइड हुआ इसलिए करंट डिवीजन रूल का यूज करो। करंट डिवाइड होने के बाद ही आप करंट डिवीजन रूल का यूज करना, ये आप ध्यान में रखो। करंट डिवीजन रूल कहीं पे भी यूज करना ऐसा नहीं है, करंट डिवाइड होने के बाद ही करंट डिवीजन रूल का यूज करना, क्योंकि उसका नाम ही है करंट डिवीजन रूल। करंट को पहले डिवाइड कराओ, करंट को डिवाइड करने के बाद जो भी दो करंट्स दो ब्रांचेस में फ्लो होने वाला करंट है वो आप करंट डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं। तो चलो यहां पे I1 I2 में से हमें फिलहाल I1 निकालना है, तो I1 हम निकालेंगे बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल क्या है वो हमने यहां आपको बता दिए हैं, तो ये फॉर्मूले का यूज करके आप I1 फाइंड आउट करेंगे। तो I1 फाइंड आउट करना है तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले बाय करंट डिवीजन रूल माने बाय सी डी आर, बाय सी डी आर आई वन, हमें आई वन फाइंड आउट करना है, तो आई वन इज इक्वल टू हम लिखेंगे। तो देखिए कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये जो आई एक्स है आई एक्स के जगह हमें आई वन निकालना है, ठीक है ना, ये जो आई वन है जो हमें फाइंड आउट करना है वो आई वन हम यहाँ आई एक्स के जगह लिखेंगे, तो वो हमने लिख लिए, ये देखो आई वन लिख लिए इज इक्वल टू, फिर हमें क्या लिखना है आई टी, आई टी माने टोटल करंट, टोटल करंट का वैल्यू लिखना है। टोटल करंट हमें पता है यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं 2.272, ये देखिए टोटल करंट हमने निकाले थे, है ना, ये निकाले हैं, तो ये हम लिखेंगे 2.272 एम्पियर, तो ये हमने लिख लिए टोटल करंट। टोटल करंट हमें लिखना था फार्मूले के अकॉर्डिंग, टोटल करंट लिखना था तो ये हमने लिख लिया टोटल करंट। अब हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो क्या लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, प्रॉपरली चेक करो, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर भी है और नीचे भी है, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर भी है नीचे भी है, इट मीन्स ऊपर और नीचे सेम वैल्यू आएगा। देन लिखा है प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, इट मीन्स जो ब्रांच से करंट फाइंड आउट कर रहे वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच माने अपोजिट ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, अपोजिट ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस आपको यहां लिखना है, और यहां पे करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस माने जो ब्रांच में से आप करंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस आपको यहां लिखना है। तो आइए यहां पे देखते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच आपको यहां ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। अब यहां पे देखिए कि अपोजिट ब्रांच कौन सा है, तो ये देखिए टोटल करंट जो है वो यहां से निकल रहा है, देखिए टोटल करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है, टोटल करंट ये ब्रांच से फ्लो हो रहा है, टोटल करंट यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है आई वन आई टू, टोटल करंट ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है आई वन आई टू उसमें से हम आई वन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं बाय करंट डिविजन रूल, आई वन आप फाइंड आउट कर रहे हैं बाय करंट डिविजन रूल, तो आई टू वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएंगी, ठीक है, जो ब्रांच में से करंट फाइंड आउट नहीं कर रहे वो ब्रांच माने अपोजिट ब्रांच, ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। देखिए दो पार्ट में करंट डिवाइड हुआ, जो टोटल करंट यहां से आ रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद आप एक ब्रांच का करंट निकाल रहे हैं, इट मीन्स आप ये ब्रांच का करंट निकाल रहे हैं आई वन, ये देखिए ठीक है 30 ओम वाले ब्रांच का करंट निकाल रहे हैं आप आई वन, तो आप इधर के ब्रांच का करंट नहीं निकाल रहे ना फिलहाल, तो इधर ये जो 20 ओम वाला ब्रांच है यही ब्रांच माने अपोजिट ब्रांच, तो ये अपोजिट ब्रांच में जो भी रेजिस्टेंस है वो आपको लिखना है, तो अपोजिट ब्रांच का यहां पूरा रेजिस्टेंस है 20, तो हम यहां लिखेंगे 20, 20 ऊपर भी लिखो 20 नीचे भी लिखो, नीचे भी क्यों लिखना है क्योंकि हमने फॉर्मूले में बताए थे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, तो हमें ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे। अब हमें प्लस करके क्या लिखना है, हमें यहां लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच माने जो ब्रांच में से आप करंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस देखिए 30 है, तो हम ये लिखेंगे यहां 30, और अब हम ये पूरे इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, तो ये आएगा 0.908 एम्पियर, तो ये हमें मिल गया करंट आई वन फ्लोइंग थ्रू 30 ओहम रेजिस्टेंस, और ये करंट जब ये 30 ओहम में से फ्लो हो रहा है तब इसका डायरेक्शन देखो क्या है, डाउनवर्ड है, तो हमने इसका डायरेक्शन भी दे दिए डाउनवर्ड। देखिए हमने करंट डिवीजन रूल का यूज करके आई वन फाइंड आउट कर लिए, जो हमें करंट फाइंड आउट करना था 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना था, तो वो हमने आसानी से निकाल लिए, उसके लिए हमने यहाँ पे करंट डिवीजन रूल का यूज किए। करंट डिवीजन रूल का यूज कैसे करना है देखो, फिर से ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने टोटल करंट लिखना था, टोटल करंट ये जो हमने निकाले थे ये टोटल करंट का वैल्यू हमने पहले लिखे, हमें आई वन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने टोटल करंट लिखे, देन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, देखिए आई वन फाइंड आउट करना है, आई वन फाइंड आउट करना है,
तो I2 वाला जो ब्रांच है वो अपोजिट ब्रांच है, ठीक है। I1 आप फाइंड आउट कर रहे हैं, I2 आप फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, तो I2 वाला ब्रांच जो है वो अपोजिट ब्रांच है, तो ये अपोजिट ब्रांच में जो भी रेजिस्टेंस है वो 20 आपने ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे। देन यहाँ पे आपको लिखना था रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, माने करंट आप जहाँ से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस 30 है, तो हमने लिखे 30। ये पूरे इसको सॉल्व किए तो ये आया 0.908 एम्पियर। ये हो गया करंट I1 फ्लोइंग थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस ड्यू टू 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो ये पहला स्टेप पूरा सॉल्व हो गया। अब ये सेम टेक्निक हमें सेकंड सोर्स के साथ करना है। हमने ये पहला सोर्स लिए थे, पहला वोल्टेज सोर्स लिए थे, और हमने ये पहला स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब हम सेकंड सोर्स लेंगे, माने ये सेकंड वोल्टेज सोर्स लेंगे 20 वोल्ट, और उसके वजह से फिर से 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल सेम टेक्निक का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये पहले स्टेप में अगर कुछ अगर डाउट्स था, आपको अगर कोई कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्टेप नंबर 2, उसमें भी हमें बिल्कुल सेम टेक्निक फॉलो करना है और सॉल्व करना है। तो देखिए वहां पे आप ध्यान दीजिए, वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 हमें सॉल्व करना है, तो यहां हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2, कंसीडर 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लेंगे, तो अगर आप 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लेंगे तो 50 वोल्ट वोल्टेज को उसको आप डीएक्टिवेट करेंगे, इट मींस आप उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो देखिए उसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद ये पूरा सर्किट क्या बनता है वो देखिए, बिल्कुल सर्किट उसी तरह से बनेगा जैसे हमने इसके पहले बनाए थे। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, इसको हम शॉर्ट कर लेंगे बाद में, पहले हम इधर का पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये है 20 वोल्ट प्लस माइनस, ये है 20 ओम, ये है 30 ओम जिसमें से फ्लो होने वाला करंट निकालना है, ये 10 ओम, और यहाँ देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे, जैसे हमने देखिए जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट किए थे वैसे हमने उधर भी शॉर्ट कर दिए। तो ये देखिए हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं शॉर्ट सर्किट, ये देखिए ये शॉर्ट सर्किट जैसा हमने इधर किए बिल्कुल वैसा ही शॉर्ट सर्किट हमने यहाँ किए, उधर का वोल्टेज सोर्स लिए और इधर का वोल्टेज सोर्स हमने शॉर्ट सर्किट किए। तो ये देखिए ये है सर्किट, और ये सर्किट में हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पे 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है। बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे जैसे यहाँ निकाले। तो यहाँ निकालते समय हमने सबसे पहले क्या किए, हमने सबसे पहले टोटल करंट निकाले। देखिए हमने यहाँ पे टोटल करंट निकाले, और देन ये टोटल करंट को हमने फ्लो करा के उसको डिवाइड कराएं, और डिवाइड कराने के बाद फिर हमने करंट डिवीजन रूल का यूज करके I1 निकाले। बिल्कुल सेम टेक्निक का यूज करना है, यहां भी हमें पहले टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट निकालने के बाद हमें उसको फ्लो कराना है, और फ्लो कराने के बाद हमें जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ होगा वो हमें बाय करंट डिवीजन रूल फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं, लेकिन टोटल करंट पहले फाइंड आउट करने के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। जैसे आपने टोटल रेजिस्टेंस यहां निकाले थे, ये देखिए पहले आपने पैरेलल किए थे, ये आया था, ये दोनों को सीरीज किए थे, ये आया था, बिल्कुल उसी तरह से यहां पे हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, देन हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं यहां पे पहले टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है चेक करिए, देखिए 10 और 30 ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करो, और जो भी इसका आंसर आएगा वो 20 के साथ सीरीज में करो। तो देखिए 10 और 30 को हम पैरेलली सॉल्व करेंगे, तो पैरेलली सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, और 20 के साथ उसको सीरीज कर लेंगे। तो सर्किट ये ऐसा बनेगा, ये देखिए यहाँ 20 ओम, 10 और 30 को पैरेलल में सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 7.5 ओम। और इसको सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2, इट मींस हम यहाँ पे कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ लिख के देते हैं साइड में। हमने क्या किए 10 into 30 डिवाइडेड बाय 10 plus 30, माने R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2, तो इसका आंसर आता है लगभग 7.5 ओम, ठीक है ना। दोनों रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, तो वो हमने किया है, तो 7.5 वो हमने यहाँ लिख दिए। अब ये दोनों सीरीज में है तो दोनों को सीरीज में ऐड करो, तो सीरीज में ऐड करने के बाद देखिए क्या आएगा, तो ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। तो इधर है 20 वोल्ट और ये 20 प्लस 7 हो गया 27, तो ये हो गया 27.5 ओम। तो फाइनली ये दोनों को ऐड करने के बाद ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस 27.5 ओम, और ये है टोटल रेजिस्टेंस, ये है टोटल वोल्टेज, और अब इसका यूज करके टोटल करंट निकालेंगे। सो टोटल करंट IT इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हम लिखेंगे टोटल वोल्टेज 20, टोटल रेजिस्टेंस 27.5। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा कुछ 0 पॉइंट आ सकता है, 20 डिवाइडेड बाय 27.5,
तो ये आंसर आ रहा है 0.727 एम्पियर। तो ये हो गया टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ये जो 20 वोल्ट है इसके वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 0.727 एम्पियर। तो हमने टोटल करंट निकाल लिए, और अब ये टोटल करंट को फ्लो कराओ और उसको डिवाइड कराओ और देखो कि 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट क्या है। तो देखिए हम उसको फ्लो कराएंगे, ये जो 0.727 टोटल करंट है ये कहां से निकलेगा, प्लस टू माइनस। तो ये हमें प्लस टू माइनस कन्वेंशनल करंट शो करना है। ये देखिए बैटरी में प्लस ऊपर है तो ऊपर से निकलेगा, ठीक है। तो ये करंट, ये टोटल करंट यहां से निकल रहा है, और ये टोटल करंट देखिए ये है टोटल करंट, यहां से निकलेगा आगे जाएगा और यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। जो इधर गया उसको नाम दे दो I3 और जो इधर गया उसको नाम दे दो I4। देखिए इधर जो गया वो I3 और जो नीचे गया वो I4। अब I3 I4 में से कौन सा करंट 30 ओम में से फ्लो हो रहा है वो आप चेक करो, I3 फ्लो हो रहा है या I4 फ्लो हो रहा है वो आप चेक करो। तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे दिख रहा है हमें कि जो I4 है वो 30 ओम में से फ्लो हो रहा है, और हमें 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है। तो I4 जो है वो 30 ओम में से फ्लो हो रहा है, तो हम I4 फाइंड आउट करेंगे बाय करंट डिवीजन रूल। क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हुआ। हमने बताए थे कि करंट डिवीजन रूल कहाँ यूज करना, करंट जब भी डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद आप करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। तो हम ये पॉइंट पे करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे क्योंकि टोटल करंट यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तो हम I3 I4 में से अगर हमें कुछ भी निकालना है तो हम करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। तो चलो यूज करो और I4 फाइंड आउट करो। तो हम यहां लिखेंगे बाय करंट डिवीजन रूल CDR I4 इज इक्वल टू, देखो हम I4 निकालना है, हमें I4 निकालना है, तो I4 निकालना है करंट डिवीजन रूल। और करंट डिवीजन रूल हमने ऑलरेडी इसके पहले बताए थे, ये देखिए करंट डिवीजन रूल जो हमने बताए थे। तो हमें यहाँ IX के जगह I4 लिखना है, देन यहाँ पे टोटल करंट लिखना है जो हमने फाइंड आउट किए, देन हमें रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, और फिर रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच हमें लिखना है। इट मीन्स यहाँ अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखना है और यहाँ करंट जो ब्रांच से फाइंड आउट करे वो ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखना है। तो आइए ये फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फार्मूले का यूज़ करेंगे तो I4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल करंट 0.727, ये हो गया टोटल करंट। अब रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच आपको ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, और अपोजिट ब्रांच क्या होगा देखिए बहुत आसान है। टोटल करंट जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में से एक पार्ट का आप आंसर निकाल रहे हैं, तो जो दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट रहेगा अपोजिट ब्रांच। कैसे? तो ये देखिए टोटल करंट देखिए यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, I3 I4 में से आप क्या कर रहे हैं, I4 फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, आप I4 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो I3 वाला ब्रांच जो है वो है अपोजिट ब्रांच। करंट डिवाइड होने के बाद जो दो पार्ट बनते हैं, दो पार्ट में से एक पार्ट आप फाइंड आउट करते हैं, जो दूसरा पार्ट होता है वो पार्ट ही आपका अपोजिट ब्रांच होता है। तो ये देखिए I3 I4 में से आप I4 फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो I4 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो I3 वाली ब्रांच है वो है अपोजिट ब्रांच। तो I3 वाली ब्रांच अगर अपोजिट ब्रांच है तो ये ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है चेक करो, तो ये ब्रांच में 10 ओम इतना रेजिस्टेंस है, तो ये है अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो वो हमें यहां ऊपर भी लिखना है यहां नीचे भी लिखना है, प्लस अब हमें प्लस करना है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। इट मीन्स करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट आप यहां से निकाल रहे हैं 30 ओम वाले ब्रांच से, और ये ब्रांच में 30 ओम है, तो हम लिखेंगे 30। और अब ये पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसका आंसर I4 का कितना आंसर आता है वो अब हम यहां निकालेंगे। तो ये हम करेंगे 0.727 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आंसर आएगा 0.181 एम्पियर। और ये करंट जब 30 ओम में से फ्लो हो रहा है तब इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हमें डायरेक्शन वगैरह भी शो करना पड़ेगा। हम ये डायरेक्शन क्यों शो कर रहे हैं उसका भी हम रीज़न बताते हैं थोड़ी देर के बाद। पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन दे देते हैं, ये करंट जब 30 ओम में से फ्लो हो रहा है तब उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए हमने यहाँ डाउनवर्ड दे दिए। इसके पहले के स्टेप में भी हमने यहाँ पे डायरेक्शन दिए थे, डायरेक्शन का यूज़ क्या है वो भी हम बताएंगे। देखिए फाइनली ये स्टेप नंबर 2 यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमने 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमने पता कर लिए। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ फाइंड आउट करना था, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने ये दोनों को पहले पैरेलल किए, ऐसा 7.5 आया, फिर ये दोनों को सीरीज किए तो ये आया। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल वोल्टेज,
तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस वी बाय आर माने ओम्स लॉ का यूज किए और यहां पे टोटल करंट निकालिए 0.727 और टोटल करंट निकालने के बाद हमने ये टोटल करंट को यहां पे फ्लो कराए दो पार्ट में डिवाइड हुआ करंट i3 i4 में से हमें i4 चाहिए था जो कि 30 ओम में से फ्लो हो रहा है तो i4 हमने यहां पे करंट डिवीजन रूल से निकाले बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल कैसे निकाले देखो i4 निकालने के लिए हमने सबसे पहले यहां टोटल करंट का वैल्यू लिखे क्योंकि टोटल करंट का वैल्यू पहले लिखना होता है देन अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको ऊपर नीचे लिखना है तो अपोजिट ब्रांच यहां पे 10 ओम हो गया कैसे क्योंकि हमने कहा था कि जो टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ है दो पार्ट में से आप i4 निकाल रहे हैं तो i3 वाला जो ब्रांच है वो हो जाएगा अपोजिट ब्रांच और यहां पे है 10 इसलिए हमने 10 ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे देन यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच माने करंट जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस यहां पे आ गया ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व किए तो 0.181 एंपियर ये आंसर आ गया और डायरेक्शन है डाउनवर्ड तो ये हो गया 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट और यहां पे हमने 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकाले तो स्टेप नंबर 1 में ये हमने I1 निकाले और स्टेप नंबर 2 में ये हमने I4 निकाले स्टेप नंबर 1 में हमने ये जो I1 निकाले ये है करंट I1 ये करंट I1 डाउनवर्ड जा रहा है और ये करंट I1 30 ओम में फ्लो हो रहा है 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट I1 हमें मिल गया और ये डाउनवर्ड जा रहा है और यहां पे स्टेप नंबर 2 में ये जो I4 निकाले ये डाउनवर्ड जा रहा है और ये I4 ये भी 30 ओम में से फ्लो हो रहा है तो पहले स्टेप का करंट 30 ओम में से फ्लो होने वाला डाउनवर्ड है और सेकंड स्टेप का करंट 30 ओम में से फ्लो होने वाला वो भी डाउनवर्ड है तो पहले स्टेप का करंट और सेकंड स्टेप का करंट दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में दोनों को ऐड करेंगे दोनों का सम करेंगे दोनों को ऐड क्यों करेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है देखिए इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा फाइनल करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम ड्यू टू बोथ वोल्टेज सोर्सेस तो आइए सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम स्टेप नंबर 3 लिख लेंगे स्टेप नंबर 3 तो स्टेप नंबर 3 में हमें दोनों को ऐड करना है तो फाइनल करंट आए जो कि फाइंड आउट करना है देखिए ये है वो करंट आए जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है क्वेश्चन में लिखा था फाइंड हिज करंट आए ठीक है ना तो ये करंट आए हमें फाइंड आउट करना है तो हमने पहले स्टेप में 50 वोल्ट की वजह से इसमें से फ्लो होने वाला करंट निकाले डाउनवर्ड देन हमने स्टेप नंबर 2 में 20 वोल्ट की वजह से फ्लो होने वाला करंट निकाले वो भी डाउनवर्ड तो पहले स्टेप और दूसरे स्टेप दोनों स्टेप का जो करंट है वो 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट डाउनवर्ड है इट मींस 50 होल्ड के वजह से भी करंट इसमें डाउनवर्ड जा रहा है 20 होल्ड के वजह से भी करंट इसमें डाउनवर्ड जा रहा है दोनों का करंट डाउनवर्ड है इट मींस दोनों को करंट्स जो है यहां आएंगे और वो ऐड होके 30 में से जाएंगे ठीक है ना ऐसे वो दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं और वो 30 ओम में से फ्लो होंगे इसलिए हमें दोनों में एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे I1 और I4 को ऐड कर रहे हैं तो I1 और I4 को ऐड करेंगे तो I1 का आंसर था 0.908 एम्पियर नहीं हम बाद में लिखेंगे यहाँ एम्पियर और अब I4 का आंसर था 0.181 और अब हम यहाँ जो भी निकालेंगे वो करंट का आंसर में अब हम आई एम्पियर यहाँ लिखेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हम करेंगे 0.908 प्लस 0.181 तो ये फाइनल आंसर आ चुका है 1.089 एम्पियर और ये करंट का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगा क्योंकि दोनों करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड था ये भी डाउनवर्ड था ये भी डाउनवर्ड था तो फाइनल जो रिजल्टेंट रहेगा वो भी डायरेक्शन उसका डाउनवर्ड ही रहेगा तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम हमने आज कंप्लीट कर लिए ये था सुपरपोजिशन थ्योरम का आज का फर्स्ट प्रॉब्लम इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं इसके पहले हमने जितने टॉपिक्स लिए थे वो सभी टॉपिक्स अगर आपने नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वो लिंक पर क्लिक करके आप इसके पहले के सभी टॉपिक्स आसानी से स्टडी कर सकते हैं तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच